जवाब दिया है नारद ने। अरे तुम धनुष रचाओ, घर पे बुलाओ और फिर मर्जी तुम्हारी है मारना या छोड़ना। पत्र किसी गैर के पास मत भेज देना, अक्रूर को भेजना। नारद की बात मान करके कंस ने वैसाई किया है, अक्रूर के द्वारा पत्र भेजा है। अक्रूर कहने लगे हैं, महाराज हम तो ये कहेंगे कि कन्हैया बलराम जितने तुमसे दूर है उतनी दूर तुमसे तुम्हारी मौत है। अगर चाहते हो जिंदगी तो फिर कृष्ण और बलराम को यहां मत बुलाओ। एक बात कहे कंस, जवाब दिया है कन्हैया बलराम जिस दिन आ गए फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। और जो ऐसे वचन सुने तो कंस को क्रोध आ गया। जवाब दिया क्रूर, जितना कहा जाता है केवल उतना कहो, उतना करो, बीच में नहीं बोलो। छली मित्र कपटी त्रिया सुतया गया दे डार, और नौकर पर जोरी करे तो कर दो वही हलाल। जवाब दिया है तुमसे इतना कहा जा रहा है केवल पत्र लेकर के वृंदावन में चले जाओ। अक्रूर ने फिर पत्र उठाया और पत्र लेकर के वृंदावन में गए। वृंदावन में जैसे ही गए हैं बाबा नंद से मिले हैं, कृष्ण बलराम भाई आए। जवाब दिया है चाचा जी हमने सुना है कंस बड़ा अत्याचारी राजा है, उससे तुम्हारे विचार कैसे मिलते हैं। बोले बेटा क्या बताएं, तो जी हजूरी करते करते जीभ में छाले पड़ गए। और तुम ऐसा करो चल के उस दुराचारी का वध करो और इस पृथ्वी का भार मिटाओ। जवाब दिया वैसे समय लग जाता, अब तुम आए हो तो अब तुम्हारे साथ ही चलेंगे। इधर यशोदा मैया ने सुना है कन्हैया को लेने अक्रूर आए हैं, मथुरा ले जा रहे हैं। तो यशोदा माँ बड़ी दुखी हुई, भाई जिस कंस ने यहाँ पे कृष्ण को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी अब वो अपने पास बुला रहा है, फिर क्या करेगा। यशोदा मैया हैरान है, भगवान समझाते हैं, माँ परेशान नहीं हो, हम तुम्हारे पास में लौट के आ जाएंगे। कि चले हैं मथुरा को भगवान तो देख के यशोदा भाई हैरान, चले ला ला। तो
मलाई।